हेलो दोस्तों, सुनील फर्नीचर में आपका स्वागत है। आपको एक चीज बताएंगे, इधर आइए, ये देखिए क्रोमा पीपीसी ये कैसे रहता है। ये देखिए कटपी से टू पकड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए प्लास्टिक टाइप का रहता है क्रोमा पीपीसी का। ये देखिए पूरा सीट एक बार दिखा दो। ये देखिए प्लास्टिक आपको दिखा रहे हैं और पीछे साइड भी दिखा रहे हैं। ये देखिए ये टूटने का चांस नहीं रहता है। और इसमें कैसे चिपकाते हैं आपको दिखाएंगे, आपको कैसे चिपकाते हैं इसको, ठीक है। आइए इधर आइए, बहुत बोलता ऊपर का कौन कौन सुन। ये देखिए गाइस फेविकल प्रो गन, ये हो गया फेविकल का प्रो गन, ये वाला। इसमें चिपचिपाते हैं टक्कर में चिपकाते हैं। ये देखिए सब में कटिंग कर लिए हैं, इसमें सब कटिंग किए हैं। और इसमें दोनों साइड, इसमें भी और इसमें भी, दोनों साइड में लगा के फिर 10 मिनट सूखने के लिए टाइम देना पड़ता है। फिर उसके बाद पेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे करोगे आप, देखिए एक एक तो पेस्ट किए हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों पेस्टिंग किए हैं, पूरा ज़बरदस्त चिपका हुआ है। ये देखिए इसको फिनिशिंग भी नहीं किया है, एक तो फिनिशिंग किया हुआ आपको दिखाते हैं। ये छोटा वाला में फिनिशिंग किया है। ये देखिए इसमें रंदा भी मारे हैं थोड़ा थोड़ा बड़ा रख के। ये देखिए टक्कर में पूरा एकदम फर्स्ट क्लास चिपक रहा है और एकदम ज़बरदस्त चिपका हुआ है। और इसको थोड़ा दिखाते हैं आपको खोल के डिब्बा। ये देखिए ऐसी टाइप का रहेगा फेविकल प्रो वन, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। और इसको खोल के तुम्हारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा सील है, पूरा सील है। आप यहाँ इसमें कुछ छेदा करके लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें पीछे साइड इसको ऐसा करके लगा के थोड़ा सा फैला करके फिर उसमें टक्कर में भी लगा के दोनों 10 मिनट के लिए सूखने के लिए टाइम देंगे, फिर उसके बाद लगाना। इतनी जानकारी। अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना दोस्तों। बाय।